नमस्कार दोस्तों, जसो एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। विदेश कौन नहीं जाना चाहता, पर हम महंगा सोचकर पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, जब हम कोई देश जाते हैं तो हमें वहां की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जिसे वीजा बोलते हैं, कुछ समय बिताने के लिए। पर क्या आपको पता है कि ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहां पर भारतीय फ्री में घूम सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एशिया के उन 5 देशों के बारे में जो हमसे बहुत ही नजदीक हैं और वहां हम फ्री में घूम सकते हैं बिना किसी वीजा का पैसा दिए हुए। 5वें नंबर पर आता है इंडोनेशिया। यह एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक आइलैंड्स हैं। यहां की संस्कृति बहुत ही रिच है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इंडोनेशिया का एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, वो है बाली। यहाँ जाने के लिए भारतीयों को किसी भी तरह के वीजे की जरूरत नहीं होती। आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको फ्री में 30 दिन का वीजा देती है, जो कि टूरिस्ट पर्पज के लिए होना चाहिए। 4वें नंबर पर मालदीव। भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यह देश छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ पर 1200 बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स हैं, जो कि 200 से ज्यादा रहने योग्य हैं, और जिनमें से 100 वहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिज्म पर्पज के लिए डेवलप किए हैं। यहाँ भी जाने के लिए भारतीयों किसी भी तरह के वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। आप वहाँ पर जाकर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं और इसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने आपको। यह 90 दिनों के लिए हो सकता है और केवल 2। तीसरे नंबर पर आता है मकाऊ। यह चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, हांगकांग की तरह ही। यह पुर्तगाली उपनिवेश था जिसे 1999 में चीन को सौंपा गया था। यहाँ पर भी जाने के लिए आपको किसी भी तरह के वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पहुंचकर आप 90 दिन का वीजा अराइवल ले सकते हैं। टूरिस्ट पर्पज के लिए यह 30 दिनों तक के लिए मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है भूटान। भूटान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यह हिमालय की तराई में बसा एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर जाने के लिए आपको पासपोर्ट या वोटर कार्ड में कोई एक चीज चाहिए होती है। यहाँ जाने के लिए आपको एंट्री परमिट लेना पड़ता है और किसी भी तरह के वीजे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही कोई पैसा देना पड़ता वीजे के लिए। यह भी पूरी तरह भारतीयों के लिए फ्री है। अगला आता है नेपाल। यह हिमालय की तराई में बसा हुआ खूबसूरत देश है जो कि भारत के उत्तर में है। 1950 इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की वजह से हम यहाँ रह सकते हैं, जा सकते हैं, और हमें किसी भी तरह के किसी वीजे की जरूरत नहीं होती, ना ही पासपोर्ट की जरूरत होती। आपके पास एक अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।